अगला चलते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरुकी डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़ी, आलू गोभी बैगन मूली। देखिए इसका अर्थ क्या है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरुकी डाली। तरुमान होता है वृक्ष, आम्र मतलब आम, तो आम रूपी वृक्ष की डालियां लद गई हैं। किससे? रजत स्वर्ण मंजरियों से, चांदी और सोने रूपी मंजरियों से, जिसको बौर भी कहते हैं गांव में। तो वह क्या है, जब अपना ही बसंत पंचमी होता है उसी समय से माना जाता है काम में बौर आ जाते हैं, और बसंत पंचमी प्रायः जनवरी के अंत में होता है, उसी समय में मटर भी फूलती है और बहुत सारे ये आपके अरहर फूलती है, सनई फूलती है, किसी फूलती है, गेहूं में बालियां आने लगती हैं। ये सारे दृश्य जनवरी के अंत के लगभग के हैं और फरवरी तो इसी समय मटर वगैरह होते हैं सारे। कितना बढ़िया कब ने वर्णन किया है कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से सोने चांद, रजत माने चांदी और स्वर्ण माने सोने की, जो आम की बौर है वो सोने और चांदी, उसका जो डंठल होता है सफ़ेद रंग का होता है और उसमें पीले पीले छोटे छोटे फूल रहते हैं। तो कितना बढ़िया सुंदर दृश्य कवि ने प्रस्तुत किया है। झर रहे ढाक पीपल के दल, ढाक एक फूल होता है जिसमें टेसू के बहुत बढ़िया बढ़िया लाल रंग के फूल, और उसके उसके पत्ते क्या है झर जाते हैं इस मौसम में, फिर उसमें फूल आते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। तो ढाक तो झर रहे हैं, पीपल के दल, पीपल के भी पत्तियां उस मौसम में आप देखेंगे बहुत, जैसे वो नीम की पत्तियां भी गिर जाती हैं, पीपल की पत्तियां गिर जाती हैं सब, फिर तो उसमें नए पत्ते आते हैं। होठी कोकिला मत वाली, कोयल जो है आप देखेंगे बसंत के मौसम में बहुत ही स्नेहिल ढंग से कूजती है, तो कोकिला भी मतवाली हो गई। माँ के कटहल मुकुलित जाम, मुकुलित माने उसमें नई नई कोपले आ रही हैं, प्रसन्न है जामुन भी। और क्या हो रहा है भैया, जंगल में झरबेरी झूली, जंगल में क्या हो रहा है आप देखते हैं, जब शिवरात्रि होती है तो क्या होता है आपके पास, शिवरात्रि में क्या चढ़ाया जाता है, दो चीज बहुत प्रमुख है, एक तो धतूरा होता है, दूसरा होता है खीर, बड़े बड़े फल होते हैं। लेकिन झरबेरी क्या होती है, झरबेरी छोटी छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी, तो जंगल में क्या हो गया, झरबेरी बहुत बहुत आ गए, फूले आड़ू नींबू दाड़ी, अनार नींबू आड़ू समय फूल आ गए, अनार नींबू दाड़ी वगैरह बहुत बढ़िया बढ़िया फूल आ गए हैं और छोटे फल भी आ गए हैं, आलू गोभी बैगन मूली। कितना बढ़िया तुलना किया इसके बाद, खेतों में देखिए फरवरी में आलू बहुत बढ़िया लग जाते हैं, बैंगन के भी रहते हैं, मूली भी खूब बढ़िया रहती है, ये सारे खेतों का सजीव चित्रण कभी कर रहा है, जैसे आंखों देखा लाइव है ऐसे ही चित्रण कभी कर रहा है कि आप शहर में बैठे बैठे भी कवि के माध्यम से बहुत सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। पीले पीले अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, अमरूद पीले रंग के थे उसमें लाल लाल चित्तियां भी पड़ गई, फिर क्या हो रहा भैया, पक गए सुनहले मधुर बेर। अभी कब ने झरबेरी का चित्रण किया था, बेर का चित्रण कर रहा है कि मधुर बेर पक गए, मीठे बेर। आपने सबरी का नाम सुना होगा जिसने खट्टे और कड़वे बेर से बचाने के लिए कथा आती है कि वो चख करके बेर भगवान राम को खिलाए, तो कब यहां पर पहले से कह दे रहा है कि मधुर बेर माने
पक गए सुनहले रंग के हो गए हैं और बहुत मधुर। आंवली से तर की डाल जड़ी, एक आंवला होता है उसका छोटी वैरायटी देसी जो होता है उसको अमरी कहते हैं, तो उसको कवि ने साहित्यिक भाषा में अमली लिख दिया है, माने आंवले के छोटे छोटे नहीं वरन अमली ग्रामीण गांव में पाए जाने वाली एक वैरायटी है जिसके आंवला छोटे छोटे होते हैं, इसको आंवरी कहा जाता है। उसका अचार वगैरह बहुत बढ़िया होता है, मेडिसिनल गुण होता है। तो आंवरी क्या है, बहुत ही ज्यादा फल आ गए हैं और उसकी डालियां जो है बिल्कुल उसमें जड़ी हुई। अब देखिए क्या हो गया भैया, लहलह पालक मामा धनिया, लहलह पालक, पालक बहुत ही अच्छे खेतों में लोग लगा दिए हैं और धनिया खूब महक रही है। आजकल के धनिया में इतनी महक नहीं है, पहले जमाने में इतना अच्छा होता था कि अगर खेत में चले गए तो महकने लगे। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम, सेम भी किसान लोग लगा दिए हैं और लौकियां भी बहुत हो रही हैं। लौकी तो गांव में छप्पर पर लोग लगा देते हैं, छतों पर लगा देते हैं, खूब खाते हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी फैली, और टमाटर भी लाल लाल हो गए हैं और खेतों में मिर्चे भी आ गए हैं जो बड़े बड़े सुंदर लग रहे हैं। उसमें तो ऐसा लगता है कि उनके जो उसमें बीज होते हैं वो थैली के रूप में कवि ने प्रयोग किया है, वैसा उसने सोचा है। बालू के सांपों से अंकित, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखा पुलिन पर मगर उठी रहती है सोई। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई, तिरते जल के जल में सुरखा पुलिन पर मगर उठी रहती है सोई। देखिए बालू के सांपों से अंकित, जब बालू पर हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि उस पर ऐसे ऐसे बन जाते हैं, ऐसे लगता है उस पर सांप जा रहे हों, रास्ता बन गया हो या सांप ही लौटे हों। गंगा की सतरंगी रेती, और जब गंगा जी की रेती पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कई रंगों से चमकती हैं, तो कब इसी के संदर्भ में कर रहा है कि गंगा की कई रंग वाली रेती बहुत सुंदर लगती है, और सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की। सरपत एक बहुत बड़ी घास है और उस घास को किनारे किनारे बॉर्डर बना करके तो तरबूज की खेती करते हैं, और कुछ लोग उस पर मड़िया वगैरह भी डाल लेते हैं सरपत की, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं, बगुले अपने पंजों से अपने पंखों को साफ करते रहते हैं, तो उसी से कवि ने बगुलों के पंजों को कंघी बना करके तुलना किया है कि कोई बगुले कंघी से अपने पंजों रूपी कंघी से अपने पंखों को संवार रहे हैं। तिरते जल में सुरखाब, गंगा जी के जल में सुरखाब नामक पक्षी है, और बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं, प्रवासी पक्षी, साइबेरिया तक के पक्षी जनवरी फरवरी मार्च में गंगा जी के जल में रहते हैं। पुलिन पर मगरौठी रहती है सोई, और किनारे, पुलिन माने किनारा, किनारे पर मगरौठी नामक पक्षी ऐसा लगता है कि आलस्य में सो रहे। तो यह हो गया। अगला देखते हैं, हसमुख हरियाली हिम आतप, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाय से सोए, भीगी अधियाली में निस की तारक सपने में से खोए, मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, तिस पर नीलव नब आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्म। हसमुख हरियाली ही मातब, सुख से अलसाये से सोए, भीगी अधियाली में निस की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, तिस पर नीलव नब आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता। जब कह रहा हरियाली से हिम आतप, हिम माने ठंडी और आतप माने गर्मी,
हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। ठंडी में जब वो उसके बूंदे पड़ जाती हैं तो उसका क्या होता है, सुबह सुबह की जब सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो बहुत सुंदर लगता है। और सुख से अलसाए से सोए, ऐसा लगता है कि पूरा गांव आलस में सोया हुआ है। फिर क्या हो रहा है, भीगी अध्याली में निस की तारक स्वप्न में, तारक माने तारों, भीगी अध्याली ठंडी की उसकी बूंदों में भीगा हुआ अंधेरे में, रात में अंधेरे में, और अभी तारों के सपने में लगता है पूरा गांव सो रहा है। फिर क्या हो गया, मरकट डिब्बे साधना, मरकट एक बहुमूल्य रत्न है और उसके डिब्बे जैसा, ऐसा लगता है मड़ियों के डिब्बे जैसा गांव है और वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। और नीलम नव आच्छादन, उस पर क्या है, नीलम रत्न रूपी आसमान का नीला आच्छादन। अभी तो कब ने सोने चांदी की तुलना किया था, अब मड़ियों को भी गांव में ले आया है कि गांव में मानो सौंदर्य और संपन्नता की खान है, तो गांव मड़ियों जैसा लग रहा है। और नीलम मड़ी का जो आसमान उस पर छाए हुए, ऐसा लगता है कि नीलम ही छाई हुई है। और निरुपम हिमांत में स्निग्ध, हिमांत माने क्या, ठंडी बीत रही है तो ऐसे मौसम में, और रात में भी थोड़ा ठंडक ज्यादा रहती, सुबह सूर्य भगवान करने से कम पड़ती है। स्निग्ध शांत, निरुपम माने जिसको कोई उपमा नहीं है, ऐसा हमारा प्यारा बहुत गाँव निज शोभा से हरता जल, अपनी बहुत ही सुंदर शोभा से हमारे मन को हर रहा है, अर्थात गाँव बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाँव की अप्रतिम सुंदरता का वर्णन कवि ने पंक्तियों में किया है और ये बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। और कवि ने इसमें गाँव का गतिशील चित्रण नहीं किया, लोगों को नहीं दिखाया, केवल प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाया है। हमें लगता है कि यह सौंदर्य आपको अच्छा लगा होगा और इसी पर भी, ताकि आपको समझ में आ जाए। कहीं कोई समस्या होने पर कमेंट अवश्य करें और हमारे साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि सबको लाभ मिल सके।